हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फ़ोटो को एक सॉलिड कलर से कट किया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी फाइल को डबल क्लिक करके स्क्रीन पे ओपन करते हैं। ये देखिए, जिसमें कि सॉलिड कलर हो, ये आ गया। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस के थ्रू इसको जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर लैसो टूल से इसको कट करते हैं तो एक एक पॉइंट कट करने पर हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जैसे कि इस तरह कट करने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मैजिक वैंड टूल लीजिए और सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पूरा एरिया ये सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाके आप इन्वर्ट कीजिए। ये देखिए, ये इसकी शॉर्ट कमांड है। कंट्रोल शिफ्ट आई भी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई या इन्वर्स। ये देखिए, ये पूरा एरिया आपका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये देखिए, ओके किया। अब सिंपली आपको क्या करना है, एडिट वे में जाके इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये देखिए, आपकी इमेज एकदम बाहर आ गई है। यहाँ पे आपको, आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड इसके थ्रू आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे फ़िल्टर में जाके ये मोशन ब्लर इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी एक इमेज हो गई है। अब इसको अगर आपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट करना है, एडजस्टमेंट में जाके कलर बैलेंस आप कीजिए। ये देखिए, ब्राइटनेस कंट्रास्ट कीजिए। ये देखिए, ये आपकी एक इमेज जो हमने कट की थी उसका बैकग्राउंड इस तरह आ गया है बैक साइड में। यहाँ पे आप जाके चाहें तो इसको ह्यू सेचुरेशन में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप लाइट की कर सकते हैं, थोड़ा सा सेचुरेशन में जाके आप इसको डार्क कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी पिक्चर से हमने बैकग्राउंड किया, सेम उसी से इसको हमने कट किया। तो ये एक तरीका है सॉलिड कलर को कट करने का और बैकग्राउंड बनाने का सेम इमेज से। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए नमस्कार।